मंडी जिला का जोगिंदर नगर शहर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बनना था जहां फ्री वाईफाई की सुविधा मिलनी थी। वर्ष 2015 में सीएम वीरभद्र सिंह ने खुद जोगिंदर नगर आकर इस बात का ऐलान किया था, लेकिन क्या है जोगिंदर नगर में फ्री वाईफाई का सच, जानिए इस रिपोर्ट में। रिलायंस जियो ने देश भर में 4G सेवा की जो क्रांति लाई, उससे आज हर व्यक्ति की जेब में हाई स्पीड इंटरनेट मौजूद है। लेकिन जब ये सेवा नहीं थी तो उस वक्त अधिकतर लोग 3G या फिर वाईफाई के सहारे ही काम चलाते थे। उस दौर में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के जोगिंदरनगर शहर को फ्री वाईफाई सुविधा वाला शहर बनाने का ऐलान हुआ था। 29 अप्रैल 2015 को सीएम वीरभद्र सिंह ने जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर इस बात को खुले मन से कहा था कि जोगिंदरनगर प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई सुविधा वाला शहर बनाया जाएगा। सारे को वाईफाई पहला सारे प्रदेश के अंदर पहला नगर होगा जिसको वाईफाई के अंदर। सीएम वीरभद्र सिंह की इस घोषणा को 2.5 वर्ष से भी अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक सीएम साहब की यह घोषणा धरातल पर लागू नहीं हो पाई है। जोगिंदरनगर से भाजपा के विधायक एवं पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने इसे सरकार और सीएम की नाकामी करार दिया है। गुलाब सिंह ठाकुर के अनुसार सीएम द्वारा की गई घोषणा का न लागू हो पाना बेहद शर्मनाक है। मुख्यमंत्री यहाँ आए, एक दफा ही आए हो और यहाँ अनाउंसमेंट की उन्होंने, लेकिन आज दिन तक वो पूरी नहीं हुई, तो बड़े अफसोसजनक बात है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बात कहे कि जोगिंदरनगर में वाईफाई सुविधा होगी और आज दिन तक नहीं हुई हो, बड़ी अफसोसजनक बात है, बड़ी अफसोसजनक बात है। वहीं जोगिंदरनगर कांग्रेस यह कहकर सरकार का बचाव कर रही है कि बस स्टैंड के पास फ्री वाईफाई की सुविधा शुरू कर दी गई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीवन ठाकुर के अनुसार आने वाले समय में बाकी शहर में भी इस सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे अब हमारे जो जूनियर में बस स्टैंड के आसपास जो बाजार है उसमें तो वाईफाई फ्री चल रहा है, शायद आपको मालूम नहीं होगा, वो वाईफाई वहाँ पे चल रहा है। और रही बात पूरे विधानसभा क्षेत्र में, उसमें तो मुझे लगता है कि अभी और जगह भी नहीं है, तो यहाँ पे भी धीरे धीरे जो है वो भी वाईफाई जो सिटी जो है वो जब शहर में हो गया तो बाहर भी हो जाएगा। जब जोगिंदरनगर शहर को पहला फ्री वाईफाई सुविधा वाला शहर बनाने का ऐलान हुआ था, तो शहरवासी विकास विभाग ने इसकी तर्ज पर अन्य शहरों में भी ये सुविधा देने की बात कही थी, लेकिन सरकार फ्री वाईफाई दे पाती उतने में जियो 4G की आंधी चल पड़ी और उसके बाद फ्री वाईफाई की बातें सुनने को ही नहीं मिल रही हैं, और इस चक्कर में सरकार भी अपने पिछले वायदों को भुला बैठी है।